नमस्कार दोस्तों, बिहार समाचार में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज की 20 ताजा और काम के खबरों को। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर उसे ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉप 20 ब्रेकिंग न्यूज ऑन रॉयल ओक। इस साल कांवड़ यात्रा पर आतंकियों का साया है। आशंका जताई गई है कि आतंकवादी श्रावण मेले के दौरान बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। इसे लेकर बिहार पुलिस ने अलर्ट जारी किया है। पुलिस मुख्यालय ने सभी एसएसपी और एसपी को अपने जिलों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने को कहा है। इसे लेकर 6000 अतिरिक्त जवानों की तैनाती भी की गई है। शुक्रवार को ही केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से एक हाई अलर्ट जारी किया गया था। खासकर यह अलर्ट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया है। इसी के तहत अब बिहार पुलिस मुख्यालय भी एक्टिव हो गई है। बिहार में डीएलएड के लिए आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बीएसएबी पटना ने डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए आवेदन की लास्ट डेट बता दी है। शेड्यूल के मुताबिक 27 जून से 17 जुलाई तक डीएलएड प्रवेश परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होनी थी, जिसे बढ़ाकर 22 जुलाई कर दिया गया है। मधेपुरा उदाकिशनगंज अनुमंडल मुख्यालय के मध्य विद्यालय यानी बालक परिसर में रविवार को रसोईया संघ की बैठक जिलाध्यक्ष राम पुकार पौदार की अध्यक्षता में हुई। इसमें विभिन्न मांगों को लेकर चर्चा की गई। वहीं रसोईया की समस्या दूर नहीं किए जाने पर आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। यह भी बताया गया कि 25 जुलाई को पूरे बिहार के रसोईया विधानसभा के घेराव करेंगे। संघ के सदस्यों ने कहा कि सरकार रसोईया के साथ नाइंसाफी कर रही है। अगर बिहार सरकार रसोईया के 3 सूत्री मांगों को अविलंब पूरा नहीं करती है तो चरणबद्ध तरीके से आंदोलन चलाया जाएगा। आगामी 25 जुलाई को पूरे बिहार के रसोईया एकजुट होकर विधानसभा का घेराव कर विरोध प्रदर्शन करेंगे, ताकि रसोईया के साथ हो रहे नाइंसाफी का जुल्म खत्म हो सके। बैठक में 3 सूत्री मांगों में सबसे पहले रसोईया को मिल रहे मानदेय यानी 1650 रुपये को बढ़ाकर 18000 रुपये प्रति माह हो, 10 महीने के बजाय 12 महीने का मानदेय देने, रसोईया की सेवा काल के दौरान मृत्यु उपरांत सरकार द्वारा घोषित राशि का भुगतान उनके स्वजन को देने आदि शामिल है। यह भी कहा गया है कि कोरोना काल में रसोईया कर्मी से कॉल सेंटर पर जो काम लिया गया उसका भुगतान शीघ्र किया जाए। सरकार को बिना बताए ड्यूटी से गायब रहने वाले वाहन चालकों से भवन निर्माण विभाग ने सख्ती से निपटने का निर्णय लिया है। अगर वाहन चालक बिना बताए गाड़ी की चाबी लेकर गायब हुए और विभाग को किराए पर वाहन लेना पड़ा तो उसकी भरपाई चालकों को करनी होगी। किराए में दी जाने वाली राशि की कटौती चालकों के वेतन से होगी। भवन निर्माण विभाग के अफसरों को सरकारी कार्यों से इधर उधर ले जाने के लिए वाहन चालक नियुक्त है। कई बार ऐसा होता है कि विभाग की जानकारी के बिना चालक अवकाश पर चले जाते हैं यानी छुट्टी पर चले जाते हैं। वाहन की चाबी भी उन्हीं के पास रहती है। नतीजन अफसरों के लिए विभाग को किराए पर वाहन लेना होता है। किराए पर ठीक ठाक व्यय होता है। ऐसे में आदेश जारी हुआ है कि भवन निर्माण विभाग में नियुक्त या प्रति नियुक्त वाहन चालक अगर बिना बताए अवकाश पर जाता है और वाहन की चाबी उसी के पास रहती है तो उसे इसका खमियाजा भुगतना होगा। राज्य के सरकारी विद्यालयों में पढ़ाने वाले 384611 शिक्षक शीघ्र ही कोरोना से बचाव का पाठ पढ़ेंगे। इसको लेकर शिक्षकों को जिलावार ट्रेनिंग दी जाएगी। शिक्षा विभाग द्वारा यह प्रशिक्षण प्रारंभिक विद्यालयों के 349490 जबकि माध्यमिक के 35121 शिक्षकों को दी जाएगी। राज्य सरकार इनके प्रशिक्षण पर कुल 178,94,61,546 रुपये खर्च करने जा रही है। जिला स्तरीय मास्टर प्रशिक्षकों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण 12 अगस्त तक एवं शिक्षकों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण सह उन्मुखीकरण 30 सितंबर 2022 तक होगा। अक्टूबर से पटना के गंगा नदी में क्रूज और फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का फिर से लोग आनंद उठा सकेंगे। इस क्रूज की मरम्मत का काम दोबारा शुरू किया गया है। बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा गांधी घाट पटना में जल पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2009 में एमवी गंगा विहार फ्लोटिंग रेस्टोरेंट शुरू किया गया था, लेकिन इसमें तकनीकी खराबी आने से सुरक्षा दृष्टिकोण से 2017 से बंद है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को एनडीए के उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वागत किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जदयू जगदीप धनखड़ का समर्थन करेगा। मुख्यमंत्री ने उन्हें शुभकामनाएं भी दी है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति चुनाव में NDA के उम्मीदवार बनाए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। वहीं बिहार भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद व रेणु देवी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, शाहनवाज हुसैन ने भी PM के निर्णय का स्वागत किया। बिहार में किसान सुखाड़ की मार झेल रहे हैं। दक्षिण बिहार के कई जिलों में सुखाड़ के कारण किसानों की फसल चौपट हो गई है। अनावृष्टि से परेशान लोगों के लिए राहत की उम्मीद है कि मानसून की ट्रफ लाइन दक्षिण की तरफ थी, जिससे मानसून सक्रिय नहीं हो पा रहा था। अब ट्रफ लाइन उत्तर की तरफ मुड़ी है, जिसके कारण बारिश के साथ अकाल के बादल भी दूर हो सकते हैं। 19 जुलाई से उत्तर बिहार में पहुंच जाएगा मानसून। धूप छांव का खेल चल रहा है, जो अगले सप्ताह राहत भरी बारिश में बदल जाएगी। बिहार के सबसे बड़े पटना जंक्शन के अंदर का नजारा अब बदलने जा रहा है। जल्द ही पटना रेलवे स्टेशन पर एयरपोर्ट जैसी लग्जरी सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। जुलाई से ही स्टेशन परिसर में एग्जीक्यूटिव लाउंज खोल दिया जाएगा। दरअसल पटना स्टेशन पर यात्रियों की सुविधाओं को बेहतर करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में लाउंज को खोला जा रहा है। अब स्टेशन पर यात्रियों को किसी ट्रेन का इंतजार करना इतना भी भारी नहीं पड़ेगा। एग्जीक्यूटिव लाउंज का मजा हर यात्री ले सकेगा, लेकिन कुछ सुविधाओं के लिए यात्रियों को अतिरिक्त शुल्क भी चुकाना होगा। अगर आपको ट्रेन का इंतजार करने के लिए कंफर्टेबल चेयर चाहिए, बफे से खाना, बिजनेस सेंटर, बच्चों के लिए वीडियो गेम जैसी कई सुविधाओं के लिए पैसा देना होगा। केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार ने बिहार से गुजरने वाले 5 एक्सप्रेसवे के निर्माण को मंजूरी दे दी है। बिहार में सफर की रफ्तार बढ़ाने वाले यह एक्सप्रेसवे रक्सौल को हल्दिया, गोरखपुर को सिलीगुड़ी, बनारस को कोलकाता, आमस यानी गया GT रोड को दरभंगा और पटना को पूर्णिया से जोड़ेंगे। जानकारी के अनुसार पटना से पूर्णिया के बीच बनने वाला यह एक्सप्रेसवे पटना में कच्ची दरगाह विदुरपुर पुल से आरंभ होगा। विदुरपुर से यह बेगूसराय की ओर बढ़ेगा। पूर्णिया की ओर आगे बढ़ने के क्रम में यह नवगछिया के रास्ते भागलपुर से भी जुड़ जाएगा। सिमरी बख्यातपुर में कोसी नदी पर एक पुल भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। PFI वह SDPI ने पूरे बिहार में अब तक करीब 20,000 से अधिक युवकों को संगठन से जोड़ लिया था। ये सभी संगठन के सक्रिय सदस्य हैं। साथ ही करीब 10,000 लोगों को मार्शल ट्रेनिंग व शारीरिक प्रशिक्षण देने के नाम पर ब्रेन वॉश कर चुके हैं। इसका खुलासा शनिवार के शाम 5 बजे बेऊर जेल से रिमांड पर लिए गए PFI के एतहर परवेज व अरमान मलिक ने किया है। पटना जिला परिषद खगौल में अपना अत्याधुनिक मॉडल बनाएगा, इसको लेकर प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है और 28 जुलाई को जिला परिषद की दूसरी बैठक में इसे रखा जाएगा। आगामी बैठक गांधी मैदान स्थित होटल पनास में होने वाली है। उम्मीद है कि इस प्रस्ताव को इस दिन मंजूरी मिल जाएगी। इसके बाद इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो जाएगा। जिला परिषद अध्यक्ष सुति गुप्ता की इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की संभावना इसलिए अधिक भी है क्योंकि परिषद में उनके पास भारी बहुमत है। काउंसलिंग फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन यानी CISCE की ICSE 10वीं रिजल्ट की रविवार को घोषणा कर दी गई। बिहार का रिजल्ट 100% रहा। राज्य के 2 विद्यार्थियों ने इस बार देश भर के टॉप 3 में जगह बनाई है। इनमें कॉर्मेल हाई स्कूल की नेहा 99.60% यानी 498 अंक के साथ देश भर में दूसरे स्थान पर रही। नेहा बिहार की टॉपर बनी है। वहीं सुलाइन कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल पूर्णिया सिटी के छात्र ऋषभ क्लानी ने देशभर में 3रा स्थान प्राप्त किया है। ऋषभ क्लानी को 99.40% यानी परसेंट यानी 497 अंक प्राप्त हुए हैं। इस तरह नेहा ने बिहार में पहला और ऋषभ ने 2रा स्थान प्राप्त किया है। 3रे स्थान पर राज्य के 3 विद्यार्थी हैं। इनमें डॉन बॉस्को अकेडमी के उत्कृष्ट हरिओम श्री और कॉर्मेन हाई स्कूल की तनु किशोर शामिल है। इन तीनों को एक समान अंक 496 यानी 99.20% प्राप्त हुए हैं। पूर्व मध्य रेल ने चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम तिमाही अप्रैल से जून तक यात्री यातायात माल दुलाई सहित अन्य सभी स्रोतों से प्राप्त होने वाले आय में रिकॉर्ड उपलब्धि हासिल की है। पूर्व मध्य रेल को इस दौरान 6,837.16 करोड़ रुपए की प्रारंभिक आय प्राप्त हुई है, जो पिछले वर्ष के जून माह तक प्रारंभिक आय 5,443.22 करोड़ रुपए की तुलना में 25.21% अधिक है।
बिहार में बारिश के पैटर्न में बड़ा बदलाव दिख रहा है। पहले सावन के महीने में भारी बारिश होती थी, पर इस साल लोग तपिश की मार झेल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में पिछले 20 सालों से बारिश के दिनों में लगातार कमी आ रही है। इसका बड़ा प्रभाव खेती किसानी पर पड़ रहा है। वहीं इस सीजन में धान की रोपनी नहीं होने से किसानों के चेहरे पर मायूसी है। बारिश के असंतुलित होने से कृषि उत्पादन में कमी आने की भी आशंका बढ़ गई है। बिहार जैसे कृषि आधारित समाज और अर्थव्यवस्था के लिए असंतुलित बारिश आपदा से कम नहीं है। बिहार में मौसम का मिजाज बदला सा नजर आ रहा है। भारी बारिश के लिए मशहूर सावन के इस महीने में भी जेठ की तरह असहनीय धूप से किसानों के चेहरे मुरझाए हुए हैं। उत्तर बिहार में एक बार फिर आतंक का स्लीपर सेल सक्रिय होता जा रहा है। आतंकी की तलाश में मुजफ्फरपुर से मधुबनी तक छापेमारी चल रही है। फुलवारी शरीफ के नया टोला में देश विरोधी अड्डे का खुलासा होने के बाद पीएफआई के दरभंगा निवासी 3 संदिग्धों की गिरफ्तारी को लेकर शनिवार को यहां छापेमारी की गई। इस दौरान तीनों में से कोई अपने घर पर नहीं मिला। परिजनों का कहना था कि वह कहीं बाहर रहता है, पिछले 3 साल से घर नहीं आया है। उधर चर्चा है कि यूपी एटीएस ने नवदीन जंगी को लखनऊ से गिरफ्तार कर पटना पुलिस को सौंप दिया है। वह लखनऊ में छिपा था। एसडीपीओ कृष्ण नंदन कुमार ने छापेमारी की गई है। कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुआ है। अनुसंधान जारी है, जरूरत पड़ी तो दोबारा जांच की जाएगी। वहीं एसएसपी अवकाश कुमार ने कहा है कि पटना पुलिस को कोऑर्डिनेशन से छापेमारी की जा रही है। सभी के आपराधिक इतिहास को खंगाला जा रहा है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय की फूड साइंस एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में फाइबर युक्त कम मैदा वाला ही नहीं बल्कि बाजरे के भी बिस्कुट तैयार किए जा रहे हैं। यह हर उम्र के लोगों के लिए सेहतमंद रहेगा। इतना ही नहीं, व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी यह काफ़ी कमाऊ व्यवसाय बन सकता है। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को मूर्ति बताने के लिए तेजस्वी यादव पर बरसते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा है कि ठीक से पढ़ाई नहीं करने वाले राष्ट्रपति पद का महत्व कभी समझ नहीं सकते। उन्होंने कहा कि अनुकंपा के आरक्षण बल पर पार्टी के सिरमौर बने सभी खानदानी युवराजों के साथ सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि न तो उन्हें लोकतांत्रिक मूल्यों का ज्ञान होता है और भाषाई शुचिता का ख्याल। संजय जायसवाल ने कहा कि खानदान के युवराज होने के दंभ में उन्हें हर बड़ा खुद से छोटा नजर आता है। यही वजह है कि यह अपने असभ्य आचरण और अमर्यादित बयानों से राजनीतिक गरिमा को कलंकित करने का कोई कसर यानी अवसर नहीं छोड़ते। खुद को बिहार की बेटी बताने वाली द्रौपदी मुर्मू को तेजस्वी यादव द्वारा मूर्ति बताना भारतीय राजनीति के इसी घिनौने चेहरे को उजागर करता है। बीते मंगलवार को बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी शामिल हुए थे। इस दौरान उनकी तेजस्वी यादव से भी मुलाकात हुई थी। प्रधानमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष को वजन कम करने की सलाह दी थी। पीएम मोदी की राय जानकर तेजस्वी यादव उस दिन मुस्कुराए थे। रविवार को नेता प्रतिपक्ष पसीना बहाते हुए दिखाई दिए। उन्होंने अपने पुराने शौक क्रिकेट को चुना, बैट और बॉल दोनों पर हाथ आजमाया। बैटिंग की तो लंबे लंबे शॉट लगाए, फिर गेंदबाजी करते हुए भी दिखाई दिए। बड़ी बात यह है कि रही कि तेजस्वी के क्रिकेट खेलने के दौरान उनके साथ ही खिलाड़ी ड्राइवर रसोईया स्वीपर और माली रहे। लोक जनशक्ति पार्टी यानी रामविलास के नेता चिराग पासवान रविवार को राष्ट्रपति चुनाव की तैयारियों को लेकर भाजपा नेता राजग की बैठक में शामिल हुए। संसद में हुई बैठक में उनकी उपस्थिति महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड राज्य में भाजपा की सबसे बड़ी सहयोगी जनता दल यूनाइटेड के विरोध के कारण विधानसभा चुनाव के दौरान बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से बाहर होने का फैसला लिया था। पासवान की पार्टी भी बाद में अलग हो गई और उनके चाचा पशुपति कुमार पारस के नेतृत्व वाले 5 सांसदों ने उन्हें बाहर कर दिया। पारस गुट को लोकसभा में असली लोजपा के रूप में मान्यता मिली और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री के रूप में शपथ भी ली थी।